बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 13 कर रही हूँ। इसमें डिवीजन वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। हम डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डी वाई ओवर डी एक्स। डिवीजन वाला फार्मूले में हम डिनोमिनेटर का स्केयर लिखते हैं, माइनस वन जो है डिनोमिनेटर का स्केयर, फिर डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहता है और न्यूमरेटर का हम डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर रूट। ठीक है, जिसका स्केयर आपने डेरिवेटिव नहीं लेना उसको आप इससे पहले लिख दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब इसमें न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्केयर माइनस वन। ठीक है, अब आपको इनका डेरिवेटिव लेने का वही तरीका जो है, हम पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद फिर हम अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ये एक्स स्केयर माइनस वन एज इट इज, इसमें डेरिवेटिव लेंगे, इसकी पावर है देखें फंक्शन की वन ओवर टू, तो वन ओवर टू पावर स्टार्ट में आ जाएगी, एक्स स्केयर प्लस वन वन ओवर टू माइनस वन आ जाएगी, साथ में आ जाएगा डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन। ठीक है, प्रोडक्ट में अंदर वाले फंक्शन का, पहले पूरी पावर का डेरिवेटिव और फिर डेरिवेटिव आएगा अंदर वाले फंक्शन का। इसी तरह से इसमें डिवीजन वाले फार्मूला में जो है वो माइनस की सिंबल आती है, एक्स स्केयर प्लस वन एज इट इज रहेंगे और ये आ जाएगा वन ओवर टू एक्स स्केयर माइनस वन, वन ओवर टू माइनस वन, साथ में आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस वन। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास इसका स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होके एक्स स्केयर माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्केयर माइनस वन स्केयर रूट और साथ में आ जाएगा वन ओवर टू और एक्स स्केयर प्लस वन रेज टू पर वन ओवर टू माइनस वन करेंगे तो ये माइनस वन बाई टू आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव है टू एक्स। ठीक है, एक्स स्केयर का टू एक्स आ जाएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो। इसी तरह से एक्स स्केयर प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, और वन ओवर टू एक्स स्केयर माइनस वन, इसकी पर वन बाई टू माइनस वन करेंगे तो ये भी आंसर जो है वो माइनस वन ओवर टू ही आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव भी अगेन टू एक्स, एक्स स्केयर माइनस वन का डेरिवेटिव भी यही आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस वन। ठीक है, बार बार हमें ये डिनोमिनेटर के नीचे लिखना पड़ा, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन। और ठीक है, इस वाले को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखेंगे हमारे पास ये टू इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बाकी वैल्यू रह जाएगी एक तो एक्स है, ठीक है, और एक एक्स स्केयर माइनस वन है और इसकी नेगेटिव पावर है तो ये मैं डिनोमिनेटर के नीचे लिख लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर ये भी टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा और एक्स स्केयर प्लस वन इसका स्केयर रूट आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्केयर माइनस वन इसका स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव हमारा खत्म हो गया, सिर्फ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर रूट भी आ जाएगा और एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर रूट भी आ जाएगा। एक्स स्केयर प्लस वन ये वाला स्केयर रूट और एक्स स्केयर माइनस वन ये भी स्केयर रूट के साथ आ जाएगा। अब जब इसके साथ देखें तो ये एक्स प्लस वन और ये एक का स्केयर रूट, ये इसके साथ फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, जो ऑपोजिट फैक्टर है इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ जाएगा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी का स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस वन स्केयर रूट है, ये टू टाइम आ जाएगा तो इसका स्केयर बन जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा माइनस, इसमें भी एक्स आ जाएगा और देखिए ये डिनोमिनेटर में ये वाला फैक्टर कैंसिल होके ये सेम चीज़ जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये एक्स स्केयर प्लस वन इसके स्केयर रूट का स्केयर हो गया। दिस वन इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन,
एक्स है, स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस वन आ जाएगा, माइनस एक्स ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन, और डिनोमिनेटर में एक्स स्केयर प्लस वन ये इसकी पावर वन ओवर टू, और एक्स स्केयर माइनस वन इसकी पावर भी वन ओवर टू। ठीक है, इसको एक्चुअली मैं पावर्स को ऐड करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने इसको भी पावर मिल गया। इसको चाहे रहने दें, ऐसा इसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऐड नहीं होनी, लेकिन ये दोनों पावर जो हैं ये ऐड हो जाएगी। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनकी पावर्स को भी मैं ऐड कर लेती हूँ, तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, और माइनस और माइनस याद देगा माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ये एज इट इज आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इसकी पावर है वन प्लस वन बाय टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी टर्म, और हमारे पास इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा नेगेटिव एक्स, और नेगेटिव एक्स ये जो ऐड हो जाएंगी, और माइनस टू एक्स, और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इनकी पार्ट्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री बाय टू।